खबर चितरंगी के विकासखंड के गढ़वा थाना से है, जहां थाना प्रभारी गढ़वा अनिल उपाध्याय द्वारा मुहर्रम पर्व को मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणमान्य नागरिकों के साथ हिंदू मुस्लिम भाइयों को बुलाया गया। उक्त बैठक में खटाई से अंसार अली, ओढ़नी से जुमेराती अली, घोघरा से जान मोहम्मद व कई मुसलमान भाई सम्मिलित रहे। गढ़वा थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई थी, इसमें शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील की गई एवं अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की बात की गई, जहां उपनिरीक्षक आरडी बंसल, सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश कुमार, आरक्षक अरविंद यादव सहित पुलिस दल मौजूद रहा। आप देख रहे हैं कि मैं गढ़वा थाने पर पहुंच चुका हूं, यहां के थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय सर मौजूद हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगा आज यह जो कार्यक्रम हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? आज शांत समिति की मीटिंग ली गई थाना परिसर में, थाना गढ़वा में, क्योंकि मुहर्रम का त्यौहार नज़दीक में आने वाला है जी। और शासन के नियमानुसार, विभाग के नियमानुसार वहाँ के शांत समिति में जो ताजियादार हैं उनसे संबंधित लोग, और जहाँ पे करबला होगा वहाँ संबंधित लोग और सारे और दूसरे धर्म के जुड़े हुए लोगों को मिला करके शांत समिति मीटिंग ली जाती है। और त्यौहार के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ होंगी जी जी, और उस पर क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए, तो विस्तार से आपस में चर्चा कर ली जाती है ताकि त्यौहार के दिन कोई कठिनाई उपस्थित ना हो। इसकी मीटिंग आज आयोजित की गई थी और ले ली गई है जी जी। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके थाना क्षेत्र अंतर्गत किन किन जगहों पर ताजिया बनाई जा रही हैं? हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत चार जगहों पर बनाई जा रही है, मुख्यतः जो है उड़नी, खटाई और केकराव और आपके गड़ई जी जी, यहाँ बनाई जाएगी और सब विस्तार चर्चा हो गई है जी जी हम लोगों की, और उसमें हमने सब समझ लिया है और समझा भी लिया जी जी। तो फिर किस तरह से क्या व्यवस्था की प्रक्रिया क्या रहेगी? व्यवस्था जैसे पूर्व के वर्षों में होती है उसी तरह से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में वहाँ पे रहते हैं, कोई भी उपस्थित ना हो जी जी, इसका ख्याल रखते हैं, कोई तकलीफ ना हो जी। धन्यवाद सर। चितरंगी से ओंकार द्विवेदी की रिपोर्ट।